नमस्कार, ये 1950 के दशक की बात है। 2 साल के अंतराल पर जयपुर में एक परिवार में 2 बच्चों का जन्म हुआ। परिवार में शास्त्रीय संगीत की परंपरा, संस्कार बरसों से चले आ रहे थे। जाहिर है, छोटी उम्र में ही उन बच्चों ने भी शास्त्रीय संगीत की तालीम लेनी शुरू की। लेकिन एक रोज कुछ ऐसा हुआ कि उनके अब्बा ने कहा कि बेटा, आप शास्त्रीय संगीत नहीं, लाइट म्यूजिक गाइए, सुगम संगीत गाइए, और उसमें भी खास तौर पर गजल गाइए। ये फैसला उनके पिता ने क्यों किया, ये उस वक्त तक उन बच्चों को पता नहीं था। तो एक सीख तो उनको ये मिली। दूसरी सीख उनके अब्बा ने ये दी कि बेटा, जिंदगी में पैसे कमाना जरूर, लेकिन पैसे बनाना नहीं। ये 2 सीख इन दोनों भाइयों के जीवन में एक गांठ की तरह रही, जो हमेशा इन्हें सिखाती रही। मैं बात कर रहा हूं गजल के मशहूर फनकार, नामी गिरामी, पूरी दुनिया में जिनकी ख्याति है, उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की। और आज यह हमारा सौभाग्य है कि हम उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन से उनकी जिंदगी के हर उस किस्से को, हर उस कहानी को सुनेंगे जो अब तक होता आया है। उस्ताद जी, आपने हमें समय दिया और आप लोग आए, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो उस्ताद जी, जैसा मैंने कहा कि बचपन में वो जो सीख आप दोनों भाइयों को मिली, एक तो वो बड़ा फैसला कि शास्त्रीय संगीत नहीं गाना है और गजल गाना है, उसके पीछे क्या कभी ये पता चला कि क्या सोच थी आपके अब्बा हुजूर की, और वो आपके गुरु भी थे? सबसे पहले, जितने हमारे श्रोता संगीत से जुड़े हुए हैं और संगीत को सुनते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा हमारी जानिब से आपको प्यार भरा आदाब। और हम आपके शुक्रगुजार हैं शिवेंद्र जी, कि आज की दुनिया में इस तरह के संगीत के लिए समर्पित होकर काम कार्य करना एक बहुत बड़ा जिगर है, बहुत बड़ा है। क्योंकि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अब जैसा कि आप बोल रहे थे, हमारे पूर्वज, क्योंकि हमारा जो ताल्लुक है, जो हमारा निकास है, जो हमारी जड़ें हैं, वो तो यूपी से हैं, मथुरा जी। लेकिन सब लोग, दादा, नाना, बाबा, चाचा, ताऊ, सब एक गुरुकुल में रियाज इस अंदाज का होता था कि दरो दीवार से सुरों की सदाएं आती थीं। तो अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि हम इतने खुशकिस्मत हैं कि ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां हमारे कानों में ये संगीत शुरू से पढ़ा, और फिर कुदरत की तरफ से ये खून में रचा बसा है, फिर हमारे गुरुओं का बहुत बड़ा प्रताप आशीर्वाद है। तो जैसा कि आप बता रहे थे, ये तो हम भी आज भी सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि वो क्लासिकल सिखाते सिखाते ऐसा उन्होंने हमें क्यों कहा कि लाइट म्यूजिक गाइए, गजल गाइए, और वो भी जोड़ी में बनकर गाइए। ये नहीं कहा कि अकेले गाइए, तुम्हारा नाम भी होगा, तुम्हारी पहचान भी बनेगी। ऐसा ही हुआ। तो मुझे लगता है कोई ये आकाशवाणी हुई, उनको इल्हाम हुआ, कहीं से इल्हाम हुआ, सही इल्हाम हुआ, बिल्कुल अचानक बोल पड़े। ये कोई प्लानिंग नहीं है, ये कोई उनकी बनाई हुई बात नहीं है, कोई किस्सा नहीं है, कोई कहानी नहीं है। सच्चाई ये है कि संगीत अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि जो इबादत की चीज़ है, तपस्या की चीज़ है, आराधना की चीज़ है, साधना की चीज़ है, और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा करें तो आपको करने के बाद लगता है हमने कुछ नहीं किया। तो उस करने के लिए हर वक्त इस प्राक में रहना चाहिए। 1890 में जी महाराज राम सिंह जी हमारे बुजुर्गों को लेके आए थे, उस्ताद मोहम्मद खान साहब और उनके बिरादरान को, उनको एक हवेली भी दी थी जो मथुरा वालों की हवेली के नाम से है। हमारे पिता श्री सबसे पहले हमारी माता श्री से ये कहा करते थे, गुरुकुल में भेजना है तो पुत्र बना के मत भेजना, शिष्य बना के भेजना, क्योंकि संगीत जो है वो समर्पण मांगता है। और यार, हालांकि यूं हमने जब अपनी आँख खोली तो दादा, नाना, ताऊ, चाचा,
मौसा फूफा सब की आवाज़ें संगीत में जाती, जब हम नावाकिफ़ थे जी संगीत से, तब भी सुरखान में पढ़ते थे तो माहौल भी मिला। बचपन में खेलने को खिलौनों के तौर भी छोटी छोटी हारमोनियम तबले इस तरीके से, ताकि बुजुर्गों का ये था कि माहौल शास्त्रीय संगीत का रहे। फिर वो हमसे ही कहा करते थे कि देखो एक वो हैं कि जो माहौल में ढल जाते हैं, एक वो हैं कि जो माहौल बदल देते हैं। क्या बात, मेरे इल्म को अपनाना विदा को, लेकिन मेरी टोन मत अपनाना। तुम्हें जैसे जुड़वा बच्चे भी होते हैं तो उनकी शनाख्त घर वालों को होती है, तो इसी तरह तुम्हारी जो शनाख्त उसके यहाँ से आई, अपनी ही आवाज़ में गाओ। तो और यही कहा करते कि देखो बेटे, जहाँ बिठा दिए जाओ उठाए ना जाओ, ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा कमाना ज़रूरी है लेकिन पैसा बनाना नहीं। तो इसलिए इन चीज़ों, लेकिन अपने रियाज से कभी गाफिल मत होना और एक हमेशा एकता रखना। तो ये उसका करम है कि आज बचपन से अब तक हमारी जॉइंट फैमिली है, चूल्हा भी एक है, बल्कि जो मेरे भतीजे हैं जावेद हुसैन मौज़म हुसैन वो मेरे दामाद भी हैं जी। और हमारा भांजा मोहम्मद वकील वो हमारा दामाद है। तो इस तरीके से घर के घर में ही ये माहौल रहा। फिर उन्होंने बचपन से हमें माहौल दिया। हम उन खुश नसीबों में हैं 1965-66 में नवाब जहीर यावर जंग के यहाँ वालिद साहब के साथ हम जाया करते थे। बड़े खान साहब को भी हमने हाजिरी दी, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को। और जब तो हमें खुद को पता नहीं है हमने क्या गाया, लेकिन उनका आशीर्वाद मिला कि ये अल्लाह इनको सुरदी मार दे, और मतलब ये सुरीले अल्लाह ने सुरीला कर दे। तो ये उनकी दुआएं ही हैं। और उनसे एक बार किसी ने एक सवाल किया था कि हसाब आप हर जगह रियाज करने लगते हैं, लोग चुरा देंगे उड़ा देंगे। बोले बेटे अगर ये चुराने और उड़ाने से आता तो मेरा बेटा बन जाता मेरे जैसा। ये तो संगीत तो वो समर्पण मांगता है कि मैं तो अपने कमरे में तेरे ध्यान में गुम था, घर के लोग कहते हैं सारा घर महकता था। इसी तरह उस्ताद आमिर खान साहब, ये बात है 1960 की, और हमारे वालिद मोहतरम से वो बहुत प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत भी करते थे। उनके जो भाई साहब बशीर खान साहब, उनकी बेटी की शादी थी, तो उस समय हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, तो जब गए तो हमें ये फ़ख्र हासिल है कि उन्होंने अपनी गोदी में बिठाया, हमें प्यार किया है। तो इससे बड़े सर्टिफिकेट नहीं हो सकते। और एक बात साहब और कहना चाहेंगे आपसे कि हमारे जो परदादा थे वो 5 भाई थे, लेकिन हमारे दादा परदादा जो है वो सिर्फ गायन पर रहे। उनके और भाइयों ने, किसी ने पखावज बजाई, किसी ने ढोलक बजाई, किसी ने तबला बजाया, किसी ने दिलरुबा बजा दिया, अलग अलग विधाओं में वो अपने तल्लीन रहते थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गायन होता, मगर हमारा जो वालिद और जो दादा और परदादा और ये, उन्होंने सिर्फ जो फोकस रखा वो गायन पे ही रखा जी। क्योंकि गाना ये पहले कहता गाना, लेकिन जब तक आप सेवा भाव नहीं रखेंगे, और गुरु कभी सिखाता नहीं है, गुरु का दिल जीतना पड़ता है तब वो सिखाता है। उसके तो, अलावा भी आपने एक बात कही थी कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, वो तो मैंने आपको बताया कि ये आकाशवाणी कोई इल्हाम हुआ उनको। तीसरी सीख और दी थी उन्होंने कि भाई अगर आपको संगीत और अपने आप को कायम रखना है तो इसको व्यवसाय ऐसा मत बनाना, अपनी जीविका ध्रुव बनाना, लेकिन व्यवसाय मत बनाना, नहीं तो तुम्हारे पास से संगीत खत्म हो जाएगा और थोड़े दिन में सिर्फ हाथ में आपके पैसा होगा, आप ढूंढते फिरेंगे कि मुझे कहाँ जाना है। उस्ताद जी, अब उस बात पर आते हैं और आपसे शुरू करते हैं। इस इंटरव्यू का फॉर्मेट ऐसा है कि जब तक आपके बचपन के कुछ किस्से ना सुन लूं आप लोगों के, कुछ शरारतें ना पता चल जाएं आप लोगों की, तो वो मजा नहीं आता। तो कुछ तो शरारतें ऐसी जरूर रही होंगी, और आप लोग तो माशाल्लाह बिल्कुल 2 साल के फर्क के भाई थे, तो बचपन में कुछ ना कुछ शरारतें आप लोग जरूर करते होंगे, दोनों भाई मिलकर घर वालों को परेशान जरूर करते होंगे। देखिए ज़्यादातर अहमद भाई तो संजीदा रहे, तो वालिद साहब ने कहा कि तुम गंभीर हो तो तुम विलंबित करो, ये थोड़ा चल। तो
तो मैं एक बात करता था और उनसे पिटता भी था, कोई भी तबला नमाज जब बजा रहे हैं उनके साथ तो उनकी हथौड़ी चुरा लेता था मैं। हम वो तबला कैसे मनाए जब थोड़ा कोई उतर चढ़ जाता था जी। तो इस बात पे बड़े वो नाराज हुआ करते थे कि बेटे ये संगीत में मजाक नहीं चलते हैं। उसके अलावा क्या, अच्छा घरों में भी तो शरारतें चलती थी, बहन भाइयों में भी तो जी, जी, जी। तो मेरी सबसे छोटी बहन, उसको जब वो मिठाई रखी रहती थी तो मैं, मुझे मिठाई बहुत पसंद है और मैं उसको ये कहता था देख 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 वो चिड़िया आई, वो उधर देखने में लगी उधर उठा के मैं खा जाता था, वो हंसती थी फिर कहती थी भाई साहब आप तो मेरी भी मिठाई खा गए। मैंने कहा नहीं मिठाई तो और मंगा लेंगे लेकिन मुझे छेड़ने में तुझे मज़ा आता है, अच्छा लगता है मुझे, कम से कम तू इस बहाने हंसती है, इस तरह बहाने करती है, बातें करती है, बहुत अच्छा लगता है। और शिवेंद्र भाई क्योंकि देखिए आप राहगीरी इस पर काम करना है, इस दौर में आप कहाँ दो इतनी मतलब तलीनता या वो रखते हैं जिसे कहते हैं जुनून, तो इसमें सबसे पहले तो ये मुबारकबाद के आप मुस्तैक हैं, उस किताब को भी हमने पढ़ा और बड़ी बड़ी यादें ताज़ा भी हुई कि वो वालिद साहब जब हमें बचपन में ले गए, उनके बचपन के दोस्त थे हसरत जयपुरी साहब जी, तो शंकर जयकिशन साहब और शैलेंद्र हसरत साहब इनका जोड़ी थी, हमने वो एक शिक्षा हसरत जयपुरी साहब से मिली। जब हम वहाँ गए तो उनकी कार थी, तो शंकर जयकिशन साहब के पास मिलाने ले गए अपनी कार से। नेक्स्ट डे हमारे पिताजी के बचपन के दोस्त थे तो लोकल ट्रेन से भी फिर बस से भी। तो अहमद भाई ने पूछा ये चचा ऐसा क्यों आपके पास जब कार, बेटे कल कार हो ना हो इसलिए हमेशा उस पर भरोसा रखना चाहिए। नहीं ज़्यादातर आपकी तरह सब लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, कह देते हैं कि साहब आप में इतनी सादगी, तो हम कहते हैं भाई जब हमारे बुज़ुर्गों से अगर हम अपने आप को कंपेयर करें तो हम तो कुछ भी नहीं हैं, हमारे उस्तादों की बनिस्बत तो हम एक ख़तरा हैं, वो भी हैं या नहीं है कोई पता नहीं है। जैसे कि मैं बताऊं आपको, हमारे हमने ये 67 की बात है तो हम 8वीं क्लास में थे, उससे पहले ये चुना किताब सब्जेक्ट आए उसमें बहुत सारे थे तो हमने उर्दू को क्रॉस मार के और संस्कृत पर टिक मार कर दिया, और आके पिताजी को बता दिया ऐसा ऐसा हुआ, तो बोले बहुत खुशी हो रही है, उर्दू का चलन तो घर में भी है और बाद में भी सीखी जा सकती है, लेकिन एक जो भाषाओं की जननी है उसको अगर तुमने सेलेक्ट किया उसमें अगर तुम कहीं ना कहीं कामयाब हो जाओ तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। तो जो हमें संस्कृत पढ़ाते थे वो हमारे अध्यापक थे मोहन लाल जी शर्मा साहब, और हमें आज भी बहुत अच्छी तरह याद है कि जब हम वहाँ से पढ़ के पास आउट हुए और जब बहुत ज़्यादा मार्क्स आए थे हाईएस्ट मार्क, तो उन्होंने अपने विद्यार्थियों को, सोचिए हम उनके बच्चे भी हुए विद्यार्थी भी हुए सब, एक टाइम पीरियड जीती और उस ज़माने में बाल सभाएँ होती थी ख़ास तौर से शनिवार को होती थी, उसमें उन्होंने सबके सामने आशीर्वाद भी दिया वो भी दिया। तो आज उसकी मेहरबानी है कि हम संस्कृत और हिंदी की बदौलत भजन या श्लोक या कुछ भी गा लेते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा था कि एक फिर जब हम आगे बढ़े तो हमारा नाम हो गया, नाम हुआ तो एक हमारे लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन आ गया, भाई ये अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब का फ़ोन है। मैंने कहा जी, और मुझे आप यकीन मानिए मैं हम लोग कहानी नहीं बनाते हैं, और मुझे एकदम स्ट्राइक हुआ और फिर आभास सा हुआ कि ये तो हमारी जान पहचानी आवाज़ है। अच्छा हाँ, और मैंने बेसाख्ता कह दिया उनसे बिल्कुल, मैंने कहा आप भवनलाल जी मास्टर साहब तो नहीं बोले, तो वो रोने लगे कि बेटा आपने हमें पहचाना। मैं कहा साहब आप गुरु हैं हमारे पिता हैं, आपने हमें ज्ञान दिया है तो हम आपको नहीं पहचानेंगे तो किसको पहचानेंगे। तो बोले बेटा हमें आपसे मिलना है, तो हमने उनसे कहा था आप नहीं आएंगे हम आएंगे आपके पास, तो हम उनको आशीर्वाद लेने गए। मेरे कहने का मतलब टोटल ये है कि जितना आप सीखें सीखने के बाद आपको जितनी समझ पैदा होती है उतना आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आया। और ये उनके चरणों का बताप है कि जब हम लोगों ने ये भजन प्रार्थना भी हम बुलाया करते थे सरस्वती वंदना, उसके अलावा मशहूर हो गए गज़ल में क्योंकि वालिद साहब चाहते थे भाई
ये गजल की कोई जोड़ी नहीं है, बाकी और सभी जोड़ियां हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक एक कलाकार, संगीत का कलाकार जब आगे बढ़ रहा होता है तो उसको कुछ सहारे की जरूरत होती है, और महान कलाकार जो थी हमारे देश की कथक नृत्यांगना सितारा देवी जी, उन्होंने आप लोगों को बहुत सपोर्ट किया, तो कैसे याद करते हैं उनके साथ जो वो वक्त, उनका जो स्नेह आपको मिला, जो सपोर्ट उनका मिला उसको? इत्तेफाक ये देखिए, 1978 में सितारा वो आई थी, सितारा देवी जी, वो हमारे पिताजी की राखी बांधती थी, उनकी हमारे पारिवारिक संबंध थे, तो वो हमें जयपुर से ले गई और म्यूजिक बैंड में उन्होंने ही पेश किया। तो हमें जब पता हुआ कि आज बुआ जी का वो अपने लता जी के पिताजी की पुण्यतिथि में प्रोग्राम है, तो हमने कहा बुआ जी हम चाहते हैं कि हम दोनों की एक तस्वीर लता दीदी के साथ। बोले हमें ये बात पसंद नहीं आई तुम्हारी। हमने कहा ऐसा क्या कह दिया कि नहीं ये कोई तस्वीर नहीं होती, तुमने जो गणेश वंदना कंपोज की है तुम गाओ, हम भाव दिखाएंगे। तब उन्होंने वो तो वो गणेश वंदना हो भी जाएगी। हाँ बिल्कुल होगी। अच्छा, और आपको एक सब लोगों को, हमारे सुनने वालों को भी हैरत भी होगी और अच्छा भी लगेगा कि अजीब सा हिसाब बन गया है कि हमारे गजलों की जो प्रस्तुतिकरण होता है या प्रोग्राम होता है उससे पहले सबसे पहले गणेश वंदना शुरू होती है। और सब ये भजन के कार्यक्रम गुलशन क्वार्टी ने हमें हकीकत में बुलाया था गजल के लिए, लेकिन हमसे वो बोले क्या आपको कुछ भजन भी मालूमात हैं। हमने जब सुनाए ये भजन तो बोले देखिए आप बल्कि भजन का ही कीजिए, क्योंकि तुलसीदास जी, मीरा जी, कस खान, ये सूरदास जी यही तो स्तंभ है। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। अच्छा, इसी तरह आपको ताज्जुब होगा, एक बार हमें बॉम्बे में हमारे सरंगी नवाज पंडित रामनारायण जी साहब मिल गए और उनका इतना बड़ापन था और हम गदगद हो गए, कहने लगे बेटा आप लोगों ने जो भजन गाया है ना सुभान तेरी कुदरत के कुर्बान कबीर दास जी का, वो देखिए आप इंशाल्लाह सब लोगों को वैसे सुना हुआ है लेकिन बिल्कुल अलग अलग अंदाज से कंपोज उसने करा दिए। सुभान तेरी कुदरत के कुर्बान, सुभान तेरी कुदरत के कुर्बान, पानी ऊपर बिछा बिछोना, पानी ऊपर बिछा बिछोना, तंबू तना आसमान, तंबू तना कुदरत के कुर्बान। और मैंने सुना कि आप लोग ऐसे ही कुछ 18-20 साल के थे और भोपाल में किसी के पास कोई कार्यक्रम की पेशकश लेकर गया था आपके हवाले से और उन्होंने कहा कि आप लोग को तो एक किस्म का ऑडिशन देना होगा, तो वो ऑडिशन में क्या था ऐसा जो आप लोगों ने खुद को सुनाया? नहीं, असल में होता क्या है ना कि वो जमाना बड़ा नायाब था,
तो ना तो वो हमें जानते थे ना उन्होंने हमें सुना था, तो वो तो अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट थे कि साहब मैं जब तक सुनूं नहीं तो प्रोग्राम नहीं रख सकता। आज के दौर के हिसाब से प्रोग्राम थोड़ी होते हैं ये, तो आज तो हम भी प्रोग्राम करते हैं, उस वक्त तो ये होता था कि वो पारखी लोग भी थे, समझते थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि कुछ सुनवाइए, हमारे वालिद साहब के दोस्त अब्दुल रशीद साहब थे, तो वो चचा हमारे बोले कि हाँ सुन लो। पहले तो ये होता था ना, आज तो आदमी कहता है कि नहीं मैं ऐसे नहीं गाऊंगा, मेरे पास साज नहीं है, मूड नहीं है। हम इसको नहीं मानते था, मूड को, साज को, साज उसका दिया हुआ ये रहा, मूड तो एवरी टाइम मूड। सही बात है। तो वो उस वक्त उन्होंने कहा कि हाँ कोई गजल सुना दीजिए, तो हमारे वालिद साहब गाया करते थे, तो हमने वो गजल सुना दी थी उनको। ऐ जज़्बे दिल कर मैं चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए। ऐ जज़्बे दिल कर मैं चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए। मन मंजिल के लिए दो गाम चलूं, खुद सामने मंजिल आ जाए। ऐ जज़्बाए दिल कर मैं चाहूं। ये पुराने तो वो सुनने के हिसाब से बड़े खुश हो गए कि भाई ये तो माशाल्लाह अच्छा गाते हैं। फिर एक पूरी महफिल हुई हमारी, और आपको ये सुन के और हैरत भी होगी, खुशी भी होगी, ताज्जुब भी होगा। पिछले ज़माने में जो सिस्टम था वो ये तो होता था कि रात को 7-8 बजे बाद महफिलें शुरू होती थी, और सुबह तकरीबन जब अजान हो या अजान के बाद भी या मंदिर के घंटियां बज जाएं उसके बाद भी प्रोग्राम जारी रहते थे। जब सुनने वाले बिल्कुल अपने आप में मदहोश हो जाते थे, महवियत में छा जाते थे, उस वक्त वो इख्तिताम होता था, दी एंड होता था। 1965 में हमारे पिता श्री ले जाते थे साड़न। अच्छा। अहमदाबाद से आगे 30 किलोमीटर, तो वहाँ के जो ठाकुर साहब थे राजा जयवंत सिंह जी, उनके नाम की कई राग भी हैं, जयवंती टोली, जयवंत सारंग, तो बड़े काबिल शख्सियत थे। वहाँ हमने आगरा घराना के विलायत खान हुसैन खान साहब, शराफत हुसैन खान साहब, पंडित मणिराम जी, जसराज जी, प्रताप नारायण जी, जसराज जी एक इनकी कजन होती, जसराज जी के पूरन चंद बहुत नायाब गाते थे। तो ऐसा ऐसा गाना मणिराम साहब हमने वहाँ सुना कि आज तक कानों में वो सदाएं आती हैं। क्या क्या फनकार और क्या क्या लोग वहाँ हमने सुन ली। अच्छा, ये लूना पर बैठकर और जयपुर में घूमने की क्या कहानी है, ये कहानी जरा बताइए, क्योंकि लोग इस कहानी को जानना चाहते हैं। देखिए मोपेड का घूमने लूना की शायद वो थी हीरो मैजेस्टिक। हाँ बात एक ही है, दो स्टाइल चलते थे, एक लूना चलती थी, एक हीरो मैजेस्टिक चलता था। बेसिकली क्या है साहब कि हमने स्ट्रगल बहुत कर डाला, वालिद साहब ने कराया जान के कि आप दुनिया को करीब से देखिए। मैं एक तो जब हमारे ऑडिशन हुए, वालिद साहब ऑल इंडिया रेडियो में स्टाफ आर्टिस्ट थे, जब हमारे ऑडिशन हुए तो उन्होंने कहा अगर ऑडिशन नहीं दे सकते हो तो बिल्कुल ना दो, देना है तो तैयारी करके जाइए, मैं किसी को नहीं बोलूँगा। इवन जिस दिन इंटरव्यू हमारे ऑडिशन होते थे उस दिन वो छुट्टी भी ले लिया करते थे। तो 1970 में हमें बी ग्रेड मिली। अच्छा। 1975 में हमें ए ग्रेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से एक ऑनर मिला जी। वो ऑडिशन हुआ हमारा, उसमें आए। उसके बाद हमें 1990 में वो फिर हमें एक ऑनर मिला जो पिछले ज़माने में चलता था, टॉप ग्रेड। टॉप ग्रेड का हमने कोई ऑडिशन नहीं दिया, एक ज़माने में ही चलता था। उस लिस्ट में आशा भोसले जी, हम लोग, सुरेश वाडकर साहब, बाला साहब पूछ वाले, ये एक लिस्ट थी जहाँ तक मुझे थोड़ा सा याद है। तो कहने का मतलब है साहब 70 में जो आपकी हमारी बात चल रही थी, क्या फरमा रहे, हाँ मोबाइल में ये है कि उन्होंने कहा भाई आप खुद स्ट्रगल करो,
तो हम पहले पैदल घूमते थे, फिर वालिद साहब की साइकिल चलाते थे। उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा सा हमारा कुछ नाम हुआ तो हमने मोपेड खरीद ली, तो फिर मोपेड पे हम जाया करते दोनों साथ। और का एक नया किस्सा और, आपको हसरत जयपुरी साहब तशरीफ लाए थे जयपुर में, मोपेड ही थी हमारे पास, और हमारे गवर्नर साहब ने उनको भी इनवाइट किया, हमें भी किया, कहा गाड़ी भेज देता हूँ। हाँ, तो चाचा ने कहा कि यार मोपेड वोपेड में कौन जाएगा, ए उस पर गाड़ी वाड़ी में कौन जाएगा यार, अपन तो शेर व शायरी करते हुए चलेंगे। अब आपको ताज्जुब होगा, मैं चला रहा हूँ, पीछे ये बैठे हैं, उसके पीछे हसरत जयपुरी साहब। क्या बात, रियली ये कोई बनावट या किस्सा नहीं है। और साहब उसमें ये हुआ कि कहीं जाके वो हमारी गाड़ी अटक गई, बंद हो गई, बंद हो गई, उतरना पड़ेगा दोबारा स्टार्ट के लिए। उतरे तो हसरत जयपुरी साहब पीछे तो उतरे, वो टॉल थे, पीछे उनका पैर अटका, वो गिरे, गिरते ही उनको फ्रैक्चर हुआ। फिर साहब वो पता लगा कि उनको एडमिट करने गए, और ये बड़े, तो ये जो मोपेड या साइकिलें या पैदल, इसकी जो खुशी पहले थी ना, वो आज कारों रह के भी नहीं होती हमें, मज़ा नहीं आता है कि इतना आदि हूँ चलते रहने का, बैठ जाऊँ तो थकान होती है। क्या बात, तो मैं किसी भी, जब तक विदाउट स्ट्रगल कोई जिंदगी नहीं। और उसके अलावा देखिए साहब, हमारा मानना ये है कि संगीत से इन सब चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं है कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, कितने बंगले हैं, क्या पहनते हैं आप, क्या करते हैं। पहले तो लोग जाके संगीतज्ञों के कुटिया में बैठते थे, तो इसका मतलब वो छोटे थे। देखिए ये तो आपने, हमने जो खुद तवारीख में है कि जब मियाँ तानसेन से शहनशाह अकबर ने कहा क्या तुमसे भी कोई अच्छा कहता कि मैं तो अपने गुरु के चरणों की धूल हूँ, तो बोले उनको यहाँ बुलाया जाए कि नहीं साहब मैं आपको खुश करने को गाता हूँ, वो भगवान को खुश करने को गाते हैं। मेरे कहने का मतलब है, आज देखिए कि हम उस वक्त मोपेड चला रहे थे, आज हमारे घर में भी दो दो गाड़ियाँ हैं, लेकिन वो चाहत, वो मज़ा, वो बात ही नहीं है जो हमने शुरुआत की थी वालिद साहब के साथ। लेकिन बचपन में 1959 में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट हम लोगों ने उस वक्त रेडियो से करियर शुरू किया था अपना, उस वक्त हम बच्चों के प्रोग्राम में थे, फिर युवाणी में आए, फिर उसके बाद मैंने आपको आगे बता ही दिया था। और साहब मैं एक शिवेंद्र भाई जरूर याद दिलाएंगे आपको, इत्तेफाक से देखिए आप ऐसी ऐसी अजीम शख्सियतों के साथ हम तबले, क्योंकि सितारा बुआ के साथ भी हम गाते थे, तो अल्लाह रखा खा साहब तबला बजाना हम गा, पंडित किशन महाराज जी, गुनई महाराज जी, तो ये हमारे सौभाग्य। और एक महफिल में तो निजामुद्दीन खान साहब ने भी आकाशवाणी कंसर्ट में हमारे साथ, तो ये हमारे सौभाग्य कैसे कैसे लोगों। और आपको ताजो हुआ था कि शायद ही कोई ऐसे फनकार होंगे जो इतने तबलियों के साथ गाए हों जितना हमने उसकी मेहरबानी से गा लिया। और क्योंकि मेरे वालिद साहब भी तबले बजाते थे, एक जगह तो ऐसी आई थी कि तबले वाला ही नहीं था, तो बजा के मैंने ही गाया था।